हेलो फ्रेंड्स, न्यूज़ विद ISP एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम यहाँ पर बात करने वाले हैं कुछ बड़ी और महत्वपूर्ण अपडेट के बारे में, जिसके बारे में जानना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं आज की न्यूज़। सबसे पहली बड़ी अपडेट आप यहाँ स्क्रीन पर देख सकते होंगे, जून में प्रस्तावित 3 बड़ी भर्ती परीक्षाओं पर संकट। दोस्तों, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसी तरह से जुड़ी और भी लेटेस्ट न्यूज़ के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ सकते हैं। इसके साथ यहाँ पर आप देख सकते हैं सामूहिक कार्यों पर रोक का परीक्षाओं पर असर। और यहां पर आप देख सकते होंगे PCS सहायक अभियंता उद्योग विभाग की भर्ती स्थगित करने की मांग। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यानी कि UPPSC की ओर से जून में प्रस्तावित 3 बड़ी भर्ती परीक्षाओं के आयोजन पर भी संकट मंडरा रहा है। मुख्यमंत्री ने 30 जून तक सामूहिक कार्यक्रमों पर पूरी तरह से रोक लगा दी। इसके साथ ही प्रतियोगी छात्रों ने इसी आदेश का हवाला देते हुए मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर मांग की है कि जून में प्रस्तावित 3 बड़ी भर्ती परीक्षाओं को स्थगित करने का आदेश जारी किया जाए ताकि परीक्षाओं के आयोजन को लेकर असमंजस खत्म हो और तनाव में आए छात्रों को भी राहत मिल सके। यदि इन एग्ज़ाम के कैंसिल होने के संबंध में या पोस्टपोन होने के संबंध में कोई भी इन्फॉर्मेशन आती है तो आपको हमारे चैनल पर पूरी तरह से इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। तो फ्रेंड्स, आप हमारे साथ इसी तरह से बने रहिएगा। अगली बड़ी अपडेट आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, शैक्षिक सन के लिए पाठ्यक्रम घटाना उचित नहीं। डॉक्टर शर्मा जी का यहाँ पर कहना है। उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा ने कहा है कि मौजूदा परिस्थितियों में आगामी शैक्षिक सत्र के लिए पाठ्यक्रम कम करना उचित नहीं है, लेकिन लॉकडाउन के कारण परिस्थितियाँ अधिक विपरीत होने पर इसे सीमित करने पर विचार किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद की हाईस्कूल और इंटरमीडिएट बोर्ड परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन 4 मई से शुरू किया जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं ईपी बोर्ड की जो परीक्षाओं का मूल्यांकन है वो 4 मई से स्टार्ट हो सकता है। इसके बाद अगली बड़ी अपडेट आप यहाँ स्क्रीन पर देख सकते हैं, 8 मई तक होगा सेमेस्टर परीक्षाओं का रजिस्ट्रेशन। जो स्टूडेंट्स अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी अलीगढ़ से बिलोंग करते हैं तो उन स्टूडेंट्स के लिए ये न्यूज़ बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। और फ्रेंड्स, आप इस वीडियो को अपने अदर फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए ताकि अदर स्टूडेंट्स को भी इन न्यूज़ के बारे में जानकारी मिल सके। सबसे पहले आप यहाँ पर देख सकते हैं AMU ने सेमेस्टर वाली परीक्षाओं के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पर परीक्षा फॉर्म भरने की अंतिम तिथि की घोषणा कर दी है। सन 2019-20 के सेमेस्टर वाले विद्यार्थी 8 मई तक रजिस्ट्रेशन व परीक्षा फॉर्म भर सकते हैं। लास्ट डेट आप यहां पर देख सकते होंगे 8 मई यहां पर निर्धारित की गई है, जबकि भरे हुए फॉर्म से किसी पाठ्यक्रम को कम करने अथवा रजिस्ट्रेशन समाप्त करने की अंतिम तिथि 21 मई है। इसके साथ ही परीक्षा कंट्रोलर प्रोफेसर मुजीबुल्ला जुवेरी की ओर से जारी सूचना के अनुसार पूर्व विद्यार्थी जो उस सेमेस्टर में शिक्षारत नहीं है लेकिन छूटे हुए पेपर के परीक्षा में भाग लेना चाहते हैं उन्हें भी ऑनलाइन फॉर्म भरना अनिवार्य है। परीक्षा फॉर्म अंतिम तिथि के भीतर भरे बिना किसी भी छात्र को परीक्षा में भाग लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी, यानी कि आपको एग्जामिनेशन फॉर्म फिल करना कंपलसरी है। इसके साथ ही अंतिम तिथि के बाद आवेदन करने पर स्टूडेंट्स को ₹500 विलंब शुल्क जमा करना होगा। वर्तमान शिक्षा सन के विद्यार्थियों को ऑनलाइन परीक्षा फॉर्म भरते समय कोई शुल्क जमा नहीं करना होगा, जबकि पूर्व छात्रों को उनके फॉर्म कंट्रोलर कार्यालय द्वारा मंजूरी प्रदान करने के बाद ₹200 परीक्षा शुल्क के रूप में जमा करने होंगे। इसके साथ ही अगली बड़ी अपडेट आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, लॉकडाउन को लेकर है तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे ग्रीन जोन में छूट की तैयारी की जा रही है। इसके साथ ही लॉकडाउन पर योगी ने मंत्रियों की राय जानी। मुख्यमंत्री ने लॉकडाउन के संबंध में अपने मंत्रियों से राय मांगी है। ज़्यादातर का कहना था कि अभी संक्रमण बरकरार है इसलिए लॉकडाउन बढ़ाया जाए। इसके साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोरोना संक्रमण से अब तक अछूते या कम प्रभावित जिलों में कुछ गतिविधियाँ शुरू करने के संकेत दिए। उन्होंने कहा कि ग्रीन जोन तथा ऑरेंज जोन में छूट वाली गतिविधियों के लिए एक कार्ययोजना बनाई जाए। उन्होंने कहा कि कोरोना संक्रमण की प्रत्येक को तोड़ना अनिवार्य है। इसके साथ ही अगली बड़ी अपडेट जान लेते हैं। यहाँ पर आप देख सकते होंगे वीडियो भर्ती 2015 के रिक्त पदों को भरने के निर्देश दिए गए हैं। और यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 2015 की ग्राम पंचायत अधिकारी भर्ती में रिक्त रह गए पदों को मेरिट में नीचे रहे अभ्यर्थियों से भरने का निर्देश दिया है। धीरज पांडे व अन्य की ओर से दाखिल याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से कहा कि लॉकडाउन समाप्त होने के बाद 4 माह में याचियों की नियुक्ति पर विचार कर उन्हें योग्यता के अनुसार नियुक्ति दे। इसके साथ ही जान लेते हैं अगली बड़ी अपडेट, यहाँ रोहिलखंड यूनिवर्सिटी से है। यहाँ पर आप देख सकते हैं M Pharma में अब अंकों की जगह क्रेडिट सिस्टम होगा। रोहिलखंड विश्वविद्यालय में नए सन में बदले कोर्स से शुरू होगी पढ़ाई।
महात्मा ज्योतिबा फूले रोहिलखंड विश्वविद्यालय वरेली में आगामी नए सन से एम फार्मा की पढ़ाई नवीन पाठ्यक्रम से होगी। छात्रों को अंकों की जगह क्रेडिट दिया जाएगा। अब प्रत्येक विषय में पास होने के लिए 50% अंक लाना भी अनिवार्य कर दिया गया है। इससे कम होने पर फेल माना जाएगा। फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया से जारी इस कोर्स को विश्वविद्यालय की बोर्ड ऑफ स्टडी फैकल्टी बोर्ड ऑफ फिर एकेडमिक काउंसिल से मंजूरी के बाद लागू होगा। इसके साथ यहाँ पर आप देख सकते हैं जनरल के लिए मिलेंगे 25 अंक नए पाठ्यक्रम में। रिसर्च मूल्यांकन के लिए हर साल 25 अंक अलग से तय होंगे। इसमें शोधार्थी को रोज जर्नल पढ़कर उसकी व्याख्या तैयार करनी होगी। उसे शिक्षक से रेगुलर चेक भी कराना होगा। इसके साथ ही रोहिलखंड विश्वविद्यालय के फार्मेसी विभाग के हेड डॉक्टर शशि भूषण तिवारी जी का क्या कहना है, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे। फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया ने नया पाठ्यक्रम लागू किया है, उसे विद्यालयों में एम फार्मा में बोर्ड ऑफ स्टडी फैकल्टी बोर्ड ऑफ और फिर एकेडमिक काउंसिल से मंजूर के बाद नया सन से शुरू किया जाएगा। इसके साथ ही अगली बड़ी अपडेट यहां पर आप देख सकते हैं, मई में 9 दिन बंद रहेंगे बैंक। लॉकडाउन बढ़ा तो और होगी दिक्कत। इसके साथ ही यहां पर आप देख सकते हैं मई में 9 दिन बैंक बंद रहेंगे। इसमें ईद और बुद्ध पूर्णिमा का अवकाश भी शामिल है। लॉकडाउन बढ़ा तो पब्लिक को बैंक संबंधी सेवाओं के लिए परेशानी उठानी पड़ सकती है। मई में बैंक संबंधी काम के लिए घर से निकलने से पहले ये जरूर पता कर लें कि बैंक खुला है या नहीं। इसके साथ ही अगली बड़ी अपडेट यहाँ पर आप देख सकते हैं, वार्षिक परीक्षा की कॉपियाँ जाँचने का काम शुरू करें बोर्ड। इसके साथ ही 3 की जगह 2 घंटे में हो बोर्ड। यहाँ पर विश्वविद्यालयों की परीक्षा से संबंध में जानकारी दी गई है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग UGC द्वारा गठित कमेटी ने परीक्षा का समय 3 घंटे की बजाय 2 घंटे करने की सिफारिश की है। कमेटी ने कहा है कि वार्षिक परीक्षा 50% अंकों की होनी चाहिए, जबकि अन्य 50% अंक पूर्व में आयोजित सेमेस्टर परीक्षा के प्रदर्शन पर आधारित की जाएँ। इसके साथ यहाँ पर आप देख सकते हैं HRD मंत्री बोले बोर्ड परीक्षा की कॉपियाँ जांचना शुरू हो। और यहाँ पर जो UP बोर्ड की कॉपियाँ हैं वो 4 मई से चेक होना स्टार्ट हो सकती हैं। इसके साथ यहाँ पर आप देख सकते होंगे प्रवेश परीक्षा के आवेदन के लिए अभी और समय है। जी हाँ दोस्तों, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न परीक्षाओं में आवेदन करने के लिए छात्रों को और मौका दिया है। कई प्रवेश परीक्षा पात्रता परीक्षा के लिए अंतिम तिथि बढ़ाई गई है। इसमें JNU एंट्रेंस एग्जाम के साथ साथ CSIR नेट के आवेदन की तिथि भी शामिल है। कौन कौन सी परीक्षाओं के आवेदन की तिथि बढ़ाई गई, चलिए जानते हैं यहाँ पर विस्तार से। और दोस्तों, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसी तरह से जुड़ी और भी लेटेस्ट न्यूज के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ सकते हैं। इसके साथ ही अगली वीडियो आपको पसंद आ रही तो प्लीज़ इस वीडियो को अपने अदर फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर दीजिए। सबसे पहले यहाँ पर आप देख सकते होंगे NTA द्वारा जारी नोटिफिकेशन के अनुसार UGC ने नेट के लिए ऑनलाइन आवेदन 16 मई तक किए जा सकेंगे। इसके साथ ही वहीं CSIR ने नेट के लिए आवेदन प्रक्रिया 15 मई तक चलेगी। ऑल इंडिया आयुष पोस्ट ग्रेजुएट एंट्रेंस टेस्ट के लिए 31 मई तक आवेदन हो सकेंगे। नेशनल काउंसिल फॉर होटल मैनेजमेंट NCHM JEE 2020 के आवेदन के लिए छात्रों के पास 30 अप्रैल तक का समय है। वहीं इग्नू एडमिशन टेस्ट फॉर PhD एंड ओपन मेट इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च ICAR 2020 जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी इंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए 30 अप्रैल तक आवेदन किए जा सकेंगे। इसके साथ ही जानते हैं अगली न्यूज के बारे में, यहां पर आप देख सकते होंगे नीट के आवेदन में 3 तक करें सुधार। मेडिकल के स्टूडेंट्स के लिए देश भर के मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेज में प्रवेश के लिए होने वाली परीक्षा के आवेदन में गलतियों को सुधार का मौका छात्रों के पास अभी है। JEE मेन और नीट के लिए आवेदन करने वाले छात्रों के पास सुधार के लिए 3 मई तक का मौका है। NTA ने परीक्षा केंद्र के शहरों में बदलाव और गलतियों में सुधार के लिए साइट खोल दी है। तो दोस्तों, ये थी आपके लिए कुछ महत्वपूर्ण न्यूज़। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी और इसी तरह से जुड़ी और भी लेटेस्ट न्यूज़ के लिए आप हमारे साथ इसी तरह से बने रहेगा। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं एक नई वीडियो में कुछ नई न्यूज़ के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।